दोस्तों दुनिया का हर एक देश खुद को काफी ज्यादा डेवलप करना चाहता है और दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो एक दूसरे की हेल्प करके खुद को काफी ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे भी देश होते हैं जो एक दूसरे से काफी ज्यादा हेट करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को 7 ऐसे देशों के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे इंडिया से काफी ज्यादा हेट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। आज से कई साल पहले इन दोनों देशों के संबंध आपस में काफी ज्यादा अच्छे थे, मगर पिछले 5 से 10 सालों में ही दोनों के रिलेशन काफी ज्यादा खराब हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जॉब कंपटीशन, क्योंकि पिछले 5 से 10 सालों में बहुत सारे इंडियंस ने अपने टैलेंट के दम पर ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स पाई हैं, जिसके चलते वहां पर रहने वाले लोग खुद को ही ऑस्ट्रेलिया में सेफ फील नहीं करते और वहां के लोगों को जॉब मिलने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। और इस वजह से ऑस्ट्रेलियन लोग इंडियंस को काफी ज्यादा हेट करना शुरू कर चुके हैं। साथ ही क्रिकेट के चलते भी कई बार दोनों देशों में दरार देखने को मिलती है। दोस्तों अगला जो देश है वो है श्रीलंका। वैसे तो इस देश के साथ इंडिया की कोई भी फाइट नहीं है, मगर श्रीलंका के लोग तमिल के लोगों को जरा भी पसंद नहीं करते और श्रीलंका देश सोचता है कि उनके देश में जो तमिल लोग इंडिया से हैं वो उनके देश को डेवलप होने से रोक रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका ने बहुत सारे तमिल्स को वहां पर मारा भी है और इसी वजह के चलते इंडिया श्रीलंका से काफी ज्यादा हेट भी करता है। दोस्तों अगला जो देश है वो है बांग्लादेश। ये देश भी हमेशा से सोचता है कि इंडिया उनकी तरक्की में जरा भी मदद नहीं करता, लेकिन पिछले 5 सालों में दोनों के रिश्ते काफी ज्यादा बेस्ट हो रहे हैं। और रिश्ते अच्छे होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया बांग्लादेश की पूरी पूरी मदद कर रहा है और बांग्लादेश का विकास भी इंडिया के चलते हो रहा है। दोस्तों अगला जो देश है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस और बहुत ही ज्यादा कमाल देश है, और ये देश है चाइना। चाइना देश का बिहेवियर पिछले कई सालों से इंडिया के लिए काफी ज्यादा चेंज हो रहा है और आज के दिन तो चाइना इंडिया का काफी ज्यादा बड़ा दुश्मन बन चुका है। चाइना का पाकिस्तान को सपोर्ट करना दोनों देशों की नफरत की बड़ी वजह है। इसके अलावा इंडियन मार्केट में बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स हर साल बिकते हैं और ये बात इंडियन गवर्नमेंट को जरा भी पसंद नहीं है। दोस्तों अगला जो देश है वो है पाकिस्तान। इन दोनों पड़ोसी देशों को हमेशा ही एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, मगर दोस्तों इसके बीच में ना सच्चाई कुछ और है। अगर पिछले 5 से 10 सालों की बात करें तो दोनों देशों के बीच फाइट की कोई मेन वजह तो रही नहीं है, लेकिन दोनों ही देशों के पॉलिटिकल लीडर्स दुश्मनी निकाल कर अपना फायदा लेते हैं। और चाहे फाइट का कोई रीजन हो या ना हो, दोनों देशों में ही कहा जाता है कि ये एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों अगला जो देश है वो है टर्की, और ये देश बहुत साल पहले एक बहुत बड़ी सुपर पावर भी रह चुका है। एशिया और यूरोप के दोनों महाद्वीपों में पड़ने वाला ये अमेजिंग देश भी इंडिया को कुछ खास पसंद नहीं करता और ऐसा माना जाता है कि टर्की देश के लोग भी इंडिया को काफी ज्यादा नफरत करते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में आखिरी देश आता है पुर्तगाल। दक्षिण पश्चिम यूरोप का ये देश इंडिया को काफी ज्यादा नफरत करता है। नफरत की मेन वजह है 1961 की वॉर। दरअसल 1960 तक गोवा इंडिया के अंडर नहीं था और 1960 तक गोवा पर पुर्तगीज का कब्जा रहा, लेकिन 1961 में वॉर में पुर्तगीज को हराकर इंडिया ने गोवा को अपने अधीन किया और उसी समय से दोनों देशों के बीच दुश्मनी काफी ज्यादा चलती रहती है। हालांकि आज के दिन पुर्तगाल की न्यू जनरेशन इंडिया को काफी ज्यादा पसंद भी करती है और सर्वे में सामने आया है कि वहां के 55% लोग इंडिया को काफी ज्यादा लाइक करते हैं। तो दोस्तों इसी बात पर आप भी इस वीडियो को लाइक करना और सबके साथ शेयर भी जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।